गोरखपुर 28/5/2024 दिन मंगलवार को एसएस एकेडमी अब अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन नई उमंग के संयुक्त तत्वाधान में समर कैंप का समापन बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। इसमें बच्चों एवं महिलाओं द्वारा 10 दिनों तक लिए गए प्रशिक्षण की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी ऐशप्रा के निदेशक श्री अतुल सर्राफ जी, नई उमंग की अध्यक्षा श्रीमती रेणु कंधोई जी, सचिव श्रीमती सीमा सोंथलिया जी, विद्यालय के प्रबंधक श्री कनक अग्रवाल जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर निशि अग्रवाल जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात कैंप में प्रशिक्षण ले रही डॉक्टर निशि अग्रवाल, रूबी, दीपा, संध्या, राधा व सीमा द्वारा कैसा पावन सुहावन समय आज है द्वार आए अतिथियों के सरताज है स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में लक्ष्मी, प्रियंका, मीना बरखा गुप्ता व रेणु अग्रवाल द्वारा सरस्वती गीत मेरे कंठ बसों महारानी की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के बीच में मतदान को देखते हुए कनिष्का श्री अग्रवाल द्वारा मतदाता जागरूकता गीत की प्रस्तुति प्रोफेसर टंडन जी की उपस्थिति में हुई, जिसकी उन्होंने अत्यधिक सराहना की। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बादल पे पांव है गाने पर स्केटिंग का प्रदर्शन किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने तेरी बातों में उलझा जिया तथा जूनियर गर्ल्स ने मेरे घर राम आएंगे वो पंजाबी सॉन्ग, मैं निकला गड्डी लेके का बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीनियर गर्ल्स द्वारा मखना गाने की प्रस्तुति दी। प्रोफेसर टंडन ने प्रस्तुति देखकर खूब सराहना की। श्री सर्राफ ने कार्यक्रम की खूब सराहना की। प्रशिक्षकों, प्रतिभागी बच्चों व अतिथियों को स्मृति चिन्ह व श्रीमद् भगवद गीता प्रदान किया गया। अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। एसएस एकेडमी की फाउंडर श्रीमती ललिता अग्रवाल सहित नई उमंग से ममता बंका, सुनैना बंका, स्मृति केड़िया, बिंदु टिबरेवाल, मधु गोयंका, सावित्री दास उपस्थित रहे। जागो जागो हे मतदाता, राष्ट्र के दाता जागो, भारत के हो भाग्य विधाता, हे मतदाता जागो जागो जागो।
जो समर कैंप का भी बहुत अच्छा प्रयास है एसएस एकेडमी का, वही उमंग संस्था में भी बहुत अच्छा काम करा है, और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है जो आप देख रहे हैं, तो ये स्कूल आपके बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मानना है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, उस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा प्रयास, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। विकास के लिए बहुत जरूरी है, इस बहाने बच्चे मिलते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, नई एक्टिविटीज सीखते हैं, घर पे तो सिर्फ ऐसे ही रहेंगे, समय भी बिता देंगे, कुछ करेंगे भी नहीं। बच्चों के लिए थोड़ा सा ये कैंप वगैरह भी जरूरी है, फट के जैसे बोर हो जाते हैं, क्या किसी झुकी हुई प्रतिभा बाहर निकलती है बच्चों में, बच्चे इंजॉय भी करते हैं, घर से बाहर निकलने का मौका भी मिलता है। बहुत जरूरी है, इससे बच्चों के अंदर जागरूकता आती है, उत्साह बढ़ता है, ये अच्छी चीज़ है। नहीं, बच्चे तो भी आए, जब स्केटिंग सीखें और फिर डांस, अच्छा लगा। इन चीज़ों से सर बहुत बच्चों को सीख मिली है, समर कैंप से थोड़ा नया चीज़ सीखने को मिला है, बच्चों का थोड़ा चेंज हुआ है, बच्चों के लिए एक्टिविटी चेंज हुई है, घर में नहीं तो बच्चे वही मोबाइल या टीवी यूज़ करते हैं, कम से कम समर कैंप के बहाने बच्चे कुछ नया सीखने को मिला है। बच्चे तो हमारा पहले सीखना या पाठक चला लेता है पहले, अच्छा है, अच्छा लग रहा है सिखा के हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यही करेंगे, हर साल अपने बच्चों को सिखाएंगे हम। यहाँ पे जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, इन इससे मतलब कि जो स्टूडेंट्स के बीच में एक अलग मोटिवेशन पैदा हो रहा है, जिससे कि जितने भी जो चिल्ड्रंस हैं एक अडाप्टिव नेचर के रहते हैं, अगर जो चीज़ें धीरे धीरे चीज़ों को अडाप्ट करते हैं और इससे उनके स्किल में डेवलपमेंट होता है। ये जो जितने भी समर कैंप या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, इससे बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, लर्निंग की कैपेसिटी जगती है, जिससे कि बच्चा आगे ग्रोथ करता है। बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में रखना बहुत ही ज़रूरी है और इससे उनके ग्रोथ में फायदा होगा। सर बच्चों के लिए तो बहुत लाभप्रद है, क्योंकि बच्चों से इसकी जानकारी बढ़ती है, हर चीज़ की जानकारी होती है, इसलिए ये सब चीज़ बच्चों को कराना चाहिए। ये कैंप बच्चे हमारे समाज के आने वाला फ्यूचर है, अगर बच्चों को इस तरह के प्रोत्साहन मिलेंगे तो हमारा फ्यूचर और अच्छा होगा, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, बच्चे बहुत नई चीज़ें सीख रहे हैं, पेरेंट्स भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, इससे बच्चों में एक नई उम्मीद जगेगी कि हाँ आगे और भी कुछ कर सकते हैं, समर कैंप में नया काम, नई चीज़ें, नई उमंग के साथ। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का आपने देखा ही होगा, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चे आगे अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हमें और कुछ भी करना चाहिए। अब बच्चे खाली नहीं बैठना चाहते हैं, हम लोग का समर वैकेशन ऐसे भी ज़्यादा था, अब बच्चे समर वैकेशन में कुछ ना कुछ करते हैं, ये सीखना है, वो सीखना है, ये क्लासेस वो क्लासेस, बहुत फास्ट फॉरवर्ड बच्चे हैं आज के, बहुत अच्छा है, बच्चों का एंजॉयमेंट होता है, बच्चे सीखते हैं, बच्चे अदर चीज़ जैसे पढ़ाई पढ़ते जरूरी होती है और चीज़ बच्चे सीखते हैं। परफॉर्मेंस तो बेस्ट रहा, मेहनत ज़्यादा लगी बट बच्चों ने अपना 100% दिया। बच्चों का एफर्ट बहुत है, मेरा तो चेस में ड्यूटी थी, चेस में बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया है, बहुत कुछ सीखा है, सर ने भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे बेसिक्स सिखाए, अच्छे अच्छे कैसलिंग, बहुत कुछ मैंने भी सीख लिया है, मुझे भी बिल्कुल चेस नहीं आता था लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आया। हम लोग की जो इसके पीछे प्रयास रहता है या जो सोच रहती है, वो सभी बच्चों में, सभी लोगों में अपने अंदर एक प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोग इसमें 8-10 आइटम रखते हैं कि जिसके विषय का, जिसके रिलेटेड, जिसके नेचर का, जिसका जो भी अपना प्रशिक्षण है उसमें वो प्रतिभा करे और उस हिसाब से 10 दिन में उस बच्चे के अंदर उस उसके टैलेंट का एक बीजारोपण हो जाता है कि जैसे कोई स्केट में अगर किसी को उसके अंदर टैलेंट है तो वो इतना निखर जाता है, उसके अंदर इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो भविष्य में किसी भी स्टेज पे खेलने के लिए
अपने आप में उसके अंदर कॉन्फिडेंस, और एक हम लोग जो लास्ट में एक मंच देते हैं बच्चों को 10 दिन बाद जैसा कि आज हमने दिया यहाँ पे, उससे उसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वही हमारी एक सोच रहती है कि जो चीज़ वो अपने रेगुलर के दिनों में नहीं कर पाता वो इस 10 दिन के कैंप में कर ले। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया यही सोच रहती है कि 10 दिन के समर कैंप में हम बच्चों में पूरी तरह से तो वो टैलेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक इंस्टिंक्ट हम पैदा कर देते हैं, बीजारोपण हो जाता है कि देखिए आपने देखा भी स्टेट बच्चे कर रहे थे, तो 10 दिन में वो बहुत फ्लो में नहीं चला पाएंगे, लेकिन उन्होंने बेसिक जो स्टेट का होता है वो सीख लिया। अब अगर वो घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो फ्लुएंट भी चलाने लग जाएंगे हार्डली 15 से 20 दिन में। तो यही, और बच्चे हमारे पास जो डांस में आते हैं तो उनमें भी यही चीज रहती है कि वो कुछ बच्चे शुरुआती एकदम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टेप सीखते हैं, एक्सप्रेशन देना सीखते हैं, और फिर करते करते वो सारी चीज़ें उनकी हैबिट में आ जाती हैं। तो लगातार 15 सालों से एसएस एकेडमी समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देना चाहूँगी कि सभी के साथ से ही ये संभव हो पाया है।